नमस्कार। अवैध रूप से लोगों को यूपी लेकर जा रहा था ट्रक, शक होने पर ली तलाश, उड़े पुलिस के होश। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दे। लाखों लोग देश के अलग अलग कोनों से प्लान करने में लगे हैं और अपने गांव जा रहे हैं। मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों से लाखों की संख्या में प्लान कर ली ये लोग अधिकतर बिहार और उत्तर प्रदेश के हैं और लॉकडाउन होने के बाद से अपने गांव जाने में लगे हुए हैं। इतनी बड़ी संख्या में पलायन होने के बाद केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया कि वो अपने बॉर्डरों को सील कर दे और लोगों को न राज्य के अंदर आने दे और न ही राज्य के बाहर जाने दे। लेकिन कई सारे लोग अवैध तरीके से एक राज्य से निकलकर दूसरे राज्य में जाने लगे हुए हैं। हाल ही में मुंबई पुलिस ने एक ऐसी ही ट्रक को पकड़ा है जो मजदूरों को महाराष्ट्र से बाहर लेकर जा रहा था। ये ट्रक 64 मजदूरों को अवैध रूप से उत्तर प्रदेश ले जा रहा था। इस ट्रक को पुलिस ने रविवार को पकड़ा। पुलिस के अनुसार उन्होंने इस ट्रक के दो भाइयों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। साकी नाका पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पवई में सुबह मजदूरों को एक ट्रक में लदे हुए पाया गया। अधिकारी ने कहा अहमद अली रज्जाक साहब 32 और उनके भाई व वाहन के मालिक मोहम्मद शाह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ये लोग मजदूरों को उत्तर प्रदेश ले जा रहे थे और ऐसा करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति से 2500 रुपए ले रहे थे। कुछ लोग पैदल ही जा रहे अपने अपने गांव, कई सारे मजदूर पैदल ही अपने अपने गांव जा रहे इन राज्यों की मदद करने के लिए राज्य सरकारों ने बसों के इंतजाम भी करवाए थे। लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में मजदूर शहरों में फंसे हुए हैं और अपने गांव जाने के लिए हर मुमकिन तरीका खोज रहे हैं। इन्हीं लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर ट्रक और बस वाले इनसे अधिक पैसे वसूल रहे हैं। दोस्तों, आप लोग जहां कहीं भी हैं अपने अपने घर में ही रहे और लॉकडाउन का पालन करें। धन्यवाद।